नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो सैमसंग के रिलेटेड है। अब इस पॉइंट पर सबको पता है कि सैमसंग 4 डिवाइसेस लॉन्च करने वाली है, जिसमें गैलेक्सी Z Fold 3 है, Z Flip 3 है, गैलेक्सी वॉच 4 है और गैलेक्सी बड्स 2 है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इवेंट जो है अगस्त 11 को होने वाला है, और अगस्त 11 को आप लोगों के लिए मेरे मेन चैनल पर कुछ बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम ये जो पूरा इनका लॉन्च इवेंट है इसको लाइव कवर करेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज डील। लेकिन अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली इवन ब्लास्ट, जो कि एक बहुत बड़ा लीकस्टर है, उसने तीनों चारों डिवाइसेस की जो प्राइसिंग है वो लीक कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी जी फोल्ड 3 की जो प्राइस टैग रखी गई है, उसके दो मॉडल आ रहे हैं। एक 1899 यूरोस का रखा गया है और एक 2000 यूरोस का रखा गया है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये यूरोस हैं और ये जो प्राइसिंग है ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये फ़ोन ऑब्वियसली प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो लोग जो कि नोट सीरीज एक्सपेक्ट कर रहे थे ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। हाउएवर यहाँ पर ये चीज़ भी समझने वाली है कि ये यूरोज़ में है, तो जब ये डॉलर में जाएंगी ये और ज़्यादा हो जाएंगी, और इनकी पाकिस्तान के अंदर क्या बनता है रेट वो देखने में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि सैमसंग की पाकिस्तानी प्राइसिंग जनरली डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती, तो कुछ कंपनीज में ये होता है कि पाकिस्तानी प्राइस ऊपर जाती है, सैमसंग में हमेशा नीचे आती है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर यह चीज़ भी बताई गई है कि इंटरनली जो गैलेक्सी जी फ्लिप सीरीज़ है उसका नाम B2 रखा गया है, और उसका जो प्राइस टैग है वो 1000 यूरोस के करीब रखा गया है। दो मॉडल आ रहे हैं अगेन इसमें भी, तो 256 GB और 128 GB वाले मॉडल्स हैं। इसके अलावा वॉच फोर की जो प्राइसिंग है वो भी हमारे सामने आ गई है, लेकिन देन अगेन ये एक लीक है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्योंकि मतलब अगर आप मेरे एनालिसिस की बात करते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि ये प्राइसिंग नहीं होगी, एटलीस्ट पाकिस्तानी मार्केट के लिए, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तानी मार्केट ही मैटर करती है, और मुझे लग रहा है कि ये इंटरनेशनल प्राइसिंग भी नहीं होगी। लेकिन देखने में आएगा कि एक्चुअल प्राइस क्या आती है। सिर्फ यही चीज़ है कि भाई इन डिवाइसेस के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना कि आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बड़े अरसे बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि इंडस्ट्री को चेंज करेगा। लाइक वही बोरिंग डिज़ाइन देख देख के ना जान अग गई है। फोल्डेबल फ़ोन पहले भी आ रहे थे, लेकिन इस बार ये जो फोल्डेबल आ रहे हैं ना ये मास मार्केट के लिए आ रहे हैं, ये नॉर्मल लोगों के लिए आ रहे हैं। पहले फोल्डेबल जो आ रहे थे ना, हर बंदा फोल्डेबल रिव्यू करने से पहले बोलता था कि भाई देखो फोल्डेबल फ़ोन है, महंगा है, पसंद आए तो ले लो, लेकिन मतलब ये नॉर्मल बंदे के लिए नहीं है। लेकिन इस बार सैमसंग कोशिश कर रही है कि ऐसी चीज़ें लेकर आई जाएँ जो कि नॉर्मल बंदे को इफेक्ट करें, तो ये जो चीज़ है ना काफ़ी क्रेजी हो सकती है। और मैं ये बता दूं, अगस्त 11 जो है ना उसको कैलेंडर पे लिख लो, बड़ा क्रेजी दिन होने वाला है वो।